इंग्लिश को एक हुआ मत मानिए, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इट्स बनाइए, उसमें नंबर्स आपके वर्ब्स के प्लेस पर काम करते हैं फाइव, और इंग्लिश में कुछ इसकी अलग से पहचान होती है। हेलो गाइस, आई वेलकम बैक एवरीवन ऑन आवर वंडरफुल चैनल दैट इज आयुष पीटी एलिक्सिर। इन टुडेस वीडियो आई एम गोना शेयर विद यू गाइस द बेस्ट टेक्निक टू डू द टेंसेस विद इन 10 मिनट्स। जी हाँ, 10 मिनट के अंदर आप टेंसेस करने के लायक हो जाएंगे, चाहे आपकी रीडिंग हो, लिसनिंग हो, या आप कोई भी टास्क कर रहे हो, वहाँ पर इनका ज़रूरत पड़ती है। और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की टेंसेस की ही टेंशन रहती है, और आज मैं उस टेंशन को आपकी दूर कर दूंगा। आप पूरे वर्ल्ड के अंदर जाकर आइएगा, इस टेक्निक को आपको कोई नहीं बताएगा, इंटरनेट छान गिरिएगा, आपको शायद ही टेक्निक मिले। अगर वो मिलती है तो आई कैन बेट ऑन दैट वो मेरा ही स्टूडेंट होगा जो आपको सिखाएगा। सो प्लीज़ बी फोकस्ड ऑन दिस वीडियो, काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द वीडियो। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट मी टेल यू दैट बिफोर डूइंग द टेंसेज आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, विच इज़ SVO, दैट मीन्स सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो यहाँ पर होता है वो तीन तरह का होता है, जैसे सिंगुलर, प्लूरल एंड एक्सेप्शनल्स। सिंगुलर में आपको बताया ही, शी, इट, नेम, प्लूरल्स में वी, दे, एक्सेप्शनल्स के अंदर आई एंड यू आप कंसीडर करके चलें, इस टेबल को याद कर लें। और कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीवेयर, लाइक दीज काइंड ऑफ वर्ड्स आर ऑल्सो यूज ऑन द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट, सो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दैम फॉर सब्जेक्ट्स। सो द नेक्स्ट दैट कम्स, इट्स योर वर्ब। लेट मी टेल यू, वर्ब को पहचानना इतना ईजी नहीं होता, बट जो ये ट्रिक है ये आपको आसान बना देती है। सपोज कीजिए रन की बात करें, रन का मतलब होता है भागना, गो का मतलब होता है जाना। आप खुद से पूछ कर देखिए वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या होता है। सी मतलब देखना, टेक मतलब लेना, ईट मतलब खाना, ड्रिंक मतलब पीना। कोई भी वर्ड जो अगर वर्ब की तरह यूज़ किया जा रहा है, हालांकि आपको पता नहीं है, बट स्टिल याद रखना है कि एंड में जिसके ना लग जाए इट मीन्स इट्स अ वर्ब। मीन्स खेलना, भागना, कूदना, दौड़ना, पढ़ना, जो भी है जिसके लास्ट में ना की सेंस आए तो आप उसको वर्ब कंसिडर करेंगे हिंदी के केस में। और इंग्लिश में कुछ इसकी अलग से पहचान होती है, वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा, बट स्टिल आप यहाँ पर ध्यान रखें कि एक फॉर्मूला नाई चुराता है जिसमें ना फर्स्ट फॉर्म में लगता है। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल इज, वर्ब की तीन फॉर्म्स नहीं गाइस, पांच फॉर्म्स याद रखनी है आपने। फर्स्ट फॉर्म जो होगी आपकी ना के अकॉर्डिंग लगती है, सेकंड फॉर्म में आ ए ई लगता है। सो जो थर्ड फॉर्म होती है वो पहचानी जाती है चुका, चुके, चुकी के अकॉर्डिंग। फोर्थ फॉर्म रा जिसमें लगता है, दैट इज रहा, रहे, रही। एंड फिफ्थ में ता है, ती है, ताहू, ते हो जैसे वर्ड्स आते हैं लास्ट में। यू कैन से सिलेबल्स इन हिंदी, सब शब्दांश बोला जाता है उनको। तो नाई चुराता है आपको फॉर्मूला याद रखना है, नाई चुराता है मैं मतलब आपको बताया है, ना, आ, ए, ई, चुका, चुके, चुकी, रहा, रहे, रही, एंड ता है, ती है, ते है, ताहूं, ते हो। उसके बाद इंग्लिश में जो पहचान होती है, दैट इज़ वेरी फर्स्ट वन, जो फर्स्ट फॉर्म लगती है ऑलवेज आफ्टर टू। आप कहीं भी टू के बाद अगर कोई वर्ड दिखता है जिसमें ना लग जाए इट मीन्स इट्स अ वर्ब। सेकेंड फॉर्म जो होगी उसमें ई डी या डी ई डी लगता है, थर्ड फॉर्म में भी ई डी डी ई डी लगता है, फोर्थ फॉर्म जो होती है उसमें आई एन जी यूज़ करना है, एंड फिफ्थ फॉर्म में एस या ई एस यूज़ करना है। तो आपको अभी तक गाइज यहाँ पर याद रखना है कि मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं तीन तरह के होते हैं, और वर्ब्स बताई है पांच, फॉर्म्स याद रखनी है हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पता लगी है। अब आती है फाइनल टेबल जो आपको याद रखनी है। देखिए टेंसेज जो होते हैं तीन तरह के हैं हमारे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके बाद चार तरह के उनके सब पार्ट्स होते हैं, यू कैन से इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिलहाल के लिए हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं। आपको सिंपल रूल बताता हूँ, आपको एक टेबल बनानी है जिसमें याद रखना है PPF, मींस नीचे देख सकते हैं आप, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट, राइट। सो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और ये PPF, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो हैं, इसमें आपको सिंपल एक पुट करना है नंबर, दैट इज 5, 2, 1, 4, 4, 4 एंड 3, 3, 3। अगर हम अभी तक यहाँ पर बात करें, हमने यहाँ पर टेबल जो बनाई है उसमें नंबर्स आपके वर्ब्स के प्लेस पर काम करते हैं, 5, 2, 1, 4, 4, 4, 3, 3, 3, आप हिंदी में भी याद रख सकते हैं, 521, 444 और 333। अब ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, आपको ऐसे ही याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पास्ट परफेक्ट में कौन सी वर्ब आती है, तो आप अपने टेबल के अकॉर्डिंग जाएंगे कि पास्ट की फर्स्ट लाइन होगी परफेक्ट की नीचे से, मीन्स थर्ड फॉर्म आती है वहाँ पर। पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर आपकी वहाँ पर फोर्थ फॉर्म आती है, आप देख सकते हैं, एंड पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है। सेम गोज फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट, फर्स्ट फॉर्म आती है, फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है। तो मतलब ऐसे आपने टेबल वो याद रखनी है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब्स, जिनको सहायक क्रिया बोला जाता है, डूडज, डेड, इज, एम, आर, शायद आपने सुना हो, तो काइंडली पुट दोज वर्ब्स जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन ब्लॉक्स के अंदर रखेंगे, एज इन लाइक डूडज, डेड, विल, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, has, have, had and will have। तो अब जो आपने टेबल बनाई है, दैट इज PPF ICP, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, 5, 2, 1, 4, 4, 4, 3, 3, 3, do, does, did, will, is, am, are, was, were, will be, has, have, had, will have,
इन सभी के अंदर याद रखना है कि जो सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे राम क्रिकेट खेलता है तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में राम ही रहने वाला है, वो सीता में कन्वर्ट नहीं होगा। क्रिकेट खेल रहा है तो वो क्रिकेट ही खेलेगा, अगर उसका दिल हुआ तो वो चेंज कर सकता है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स दे आर ऑलवेज सेम। सिर्फ चेंज होती है वर्ब, और आपको ये टेबल याद रखनी है, आपको टेबल के अकॉर्डिंग बहुत ईजिली याद रहने वाला है। और उसके बाद आपको इन सब के इर्द गिर्द, मतलब पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एज वी टोल्ड अर्लियर, तो सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, जहाँ यहाँ देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस डूडज प्लस वर्ब फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऐसे ही आपको याद रखना है। इसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड सेम गोज फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट, सब्जेक्ट विल फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो इट मीन्स यू कैन सी ओवर हियर दिस इज द बेसिक टेबल, अभी आप इसको याद रख के चले। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। सो अगर हम अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारी बेस टेबल में आपके पास तीनों जो हैं लाइक वो कनेक्टेड हैं टेंसेज विद देयर सब हेडिंग्स, लाइक यू कैन सी इनडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट, बट यू ऑलवेज रिमेंबर दैट टेंसेज के तीन पार्ट्स आपने माने, लाइक PPF प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उनके आगे चार पार्ट्स में से हमने तीन किए हैं लाइक इनडेफिनिट कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट। जो आपके लास्ट है दे आर assertive, interrogative एंड negative, जो बहुत मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, interrogative, negative एंड WH family, लाइक आई एक्सप्लेन इन अनदर वीडियो, बट फॉर द मोमेंट आप AIN assertive, interrogative, negative याद रखें। अब assertive के अंदर क्या होता है, सिंपल एक टेक्निक याद रखनी है कि प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनेट में उनकी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं लगती, रीजन इज बिकॉज दो फॉर्म्स एक साथ नहीं आती, तो टेबल आपकी वहां पर डूडज और डिड को रिमूव करके ये बन जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बाद में उतार सकते हैं। तो अब हम अगर इंटेरोगेटिव की बात करें, इंटेरोगेटिव में गाइज ओनली हेल्पिंग वर्ब्स आगे आ जाती है, लाइक डूडज आगे आ जाएगा, डिड, विल, यहाँ से इज एम आर, यहाँ से वॉज बर, यहाँ ध्यान रखना है आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में ओनली विल आगे आता है, बी वहीं रह जाता है बिकॉज बी एक ऑलरेडी वर्ब भी है। उसके बाद अगर हम बात करें परफेक्ट के अंदर, परफेक्ट में आपका हैज हैव प्रेजेंट में हैड और विल केवल जो फ्यूचर के अंदर है वो आगे आ जाता है, तो इस तरह से ये टेबल आपके सामने आ जाएगी। आपको ध्यान रखना है बेस टेबल को, बस ध्यान रखिएगा। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट इट्स योर नेगेटिव, नेगेटिव के अंदर आपको नोट लगाना होता है और नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले लगता है, लीस्ट इट्स योर जैसे डू डज नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ ध्यान रखना है कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म हो जाती है 5-1 की जगह, रीजन बिहाइंड दैट इज दो फॉर्म से एक साथ नहीं आती, राइट? तो डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, did plus verb ki first form plus object, will plus first form plus object. So guys, I'm telling you again that you should learn that basic table only, PPFICP, present past future indefinite continuous perfect, do does did will is mr was were will be has have had will have, 5-2-1-4-4-4-3-3-3, assertive ke andar helping verbs nahi lagti, interrogative mein jo bataya aapko helping verbs aage aa jati hain, aur negative ke andar aapka note lag jata hai helping verb se baad aur verb se pehle. So this is the only technique that you can learn for the tenses, or next video mein I'll be explaining the passive voice as well. Ye active voice cover ho jata hai aapka, tenses cover ho jate hain, basic sentences aap banana seekh jayenge. If you really want to learn extra and advanced, agar aapko ye cheez nahi samajh aayi hai to you can type in the comment box or you can call directly on our number, and you can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram, subscribe our channel on YouTube, or you can visit our lab on Plan Easy English Lab in Ladwa. We are situated in VIP colony, you can get the physical class. So kindly is video ko jitna zyada ho sake apne un friends ke sath, apne relatives ke sath, ya koi bhi aapka anjana dushman hai uske sath share kijiye taki uski bhi english improve ho sake. English ko ek hawa mat maniye, English is a language, it's not a subject, but still kai basic cheeze aapko seekhni padti hain jo main aapko puri koshish karunga sikhane ki. So please do share this video with your mates and relatives to help them. Thank you so much for being in this video. Have a good day.